गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो है अपने लास्ट वीडियोस में जो हमारा हिस्ट्री का चैप्टर वन चल रहा है क्लास टेन का, इसमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली तक की बात कर ली है। तो जैसे इटली और जर्मनी की बात की, वैसे एक छोटा सा कंट्री हमारा ब्रिटेन, बहुत छोटा सा देश है ब्रिटेन, आपको भी मैप में दिखा होगा। तो इसके यहाँ यूनिफिकेशन की बात चल रही थी, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग थे, इनके बीच में जो है बहुत ज़्यादा यूनिटी नहीं थी, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के भाषा को बोलते थे। आप जहाँ देख रहे हैं कि इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट और रिजल्ट ऑफ द सडन इन हेल एंड रिवोल्यूशन, तो यह सडन चेंज नहीं था। ब्रिटिश में होता क्या था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि इंग्लिश को बोलना पसंद करते थे, बहुत सारे जो हैं स्कॉट रीजन में रहते थे, बहुत सारे वेल्स रीजन में रहते थे, बहुत सारे आयरिश में रहते थे। तो चूंकि सबका एक इथनिक ग्रुप था, अब इथनिक ग्रुप आप समझते हैं कि जो लोकल लेवल पर लोग रहते हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है, एक लोकल लैंग्वेज बन जाता है। तो अलग अलग लैंग्वेजेस को ये बोलते थे, अलग अलग तरह के कल्चर में रहते थे, इन दो लोगों के बीच में यूनिटी नहीं थी। तो इनके यूनिटी आने के पीछे कौन सी रीजन रहे, कौन सी वो बातें रहीं जिसने ब्रिटिश को फिर से एक नेशन बना के खड़ा कर दिया, तो वो है पहला इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, आप देख रहे हैं कि द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्प द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्प इन द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इंग्लिश नेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रेड एंड वेल्थ सक्सीड इन एक्सटेंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइलैंड। कहता है कि जब ब्रिटेन के ही अलग अलग छोटे छोटे आइलैंड के लोग जब एक दूसरे से मिलने लगे, इकोनॉमिक बातें होने लगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगी जिससे जो है उन लोगों ने एक दूसरे से दोस्ती करना शुरू कर दिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि मिलने जुलने से जो है सबके अंदर ये बातें आने लगी कि हम जो है अब एक साथ रहेंगे, हम जो है एक कंट्री हैं, हमें एक साथ आने की ज़रूरत है, ये ज़रूरत सबको महसूस होने लगी। दूसरा, रोल ऑफ पार्लियामेंट। तीसरा, एक्ट ऑफ यूनियन। चौथा जो है मेजोरिटी ऑफ इंग्लिश मेंबर इन द पार्लियामेंट। तो पहला तो हो गया, दूसरा देखते हैं बच्चे रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या। तो इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज द पावर फ्रॉम द मोनार्की इन 1688 एट द एंड ऑफ प्रोट्रैक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, इट वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द नेशन स्टेट विच इंग्लैंड एट द सेंटर कम इन बी फॉर्म्ड। तो बच्चों क्या हुआ कि बहुत सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसको इंग्लिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि वहाँ सबसे पहले 1688 में वहाँ से राजा के रूल को हटा दिया, मोनार्की ख़त्म कर दी। तो जितने भी बाकी के आइलैंड थे सबके नज़र में ये बात गई, सबको लगा कि वाह, इंग्लैंड ने तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया, इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वो बहुत अच्छा काम करती है। तो सबके नज़र में अचानक इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वो आ गई, सबको उस पर भरोसा होने लगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, द एक्ट ऑफ यूनियन। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेटर ब्रिटेन, कि इनके बीच में एक साइन हुआ, एक जो है एक्ट साइन हुआ 1707 में, जिसमें जो है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड ने तय कर लिया कि हम दोनों मिल जाएंगे और हम मिलकर जो है अपने ऊपर जो है अपने आप को एक ग्रेट ब्रिटेन नाम से की कंट्री के नाम से अपने आप को बताना समझेंगे, यानी कि हम जब मिल जाएंगे उसके बाद जो यूनाइटेड किंगडम होगा वो ग्रेट ब्रिटेन कहलाएगा। इसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों ने मिल के जो है तय तो कर लिया, लेकिन स्कॉटलैंड को जो है इंग्लैंड ने काफ़ी हद तक अपनी बातों को मनवा के रखा था। अब इंग्लैंड की जितनी भी बातें थी सभी चीज़ों को स्कॉटलैंड एग्री कर जा रहा था, क्योंकि इंग्लैंड जो है अपने प्रभाव से कह लीजिए, या इंग्लैंड ने जो है अपने बहुत सारे मेंबर होने के चलते बहुत सारी अपनी बातों को जो है थोप के रख दिया था स्कॉटलैंड पे, उसकी बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने नहीं एडजस्ट किया, बल्कि इंग्लैंड की चीज़ों को स्कॉटलैंड ने एडजस्ट किया। नेक्स्ट है मेजर रिटी ऑफ इंग्लिश मेंबर इन द पार्लियामेंट। यही बात अभी हम पीछे कर रहे थे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज डोमिनेंट बाई द इंग्लिश मेंबर, द ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड द पोलिटिकल इन्वेंशन वेयर सिस्टमेटिकली सप्रेस द कैथोलिक क्लेम्स दैट इन्हेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर्ड ट्रेवल। तो बच्चों ये क्या है कि हमारे जो इंग्लैंड के लोग हैं, हमारे स्कॉटलैंड के लोगों पे जो है उन्होंने जो है दबदबा बना के रखा, क्योंकि जो मेंबर थे पार्लियामेंट वो ज़्यादातर इंग्लैंड के थे। अब लास्ट जो पॉइंट आता है फोर्थ, इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड इनटू यूनाइटेड किंगडम, कि इन्होंने जो ग्रेट ब्रिटेन बनाया, यूनाइटेड किंगडम बनाया, इसमें ज़बरदस्ती इन्होंने आयरलैंड को ले लिया। देखिए यहाँ लिखा है कि आयरलैंड वॉज फोर्सफुली